हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपी आना। मैं सौम्या सिंह। आज हम आपके लिए एगलेस केक बनाने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है। इसे आप मार्बल केक या जेब्रा केक भी कह सकते हैं, पर ये केक कलरफुल है और बहुत ही आसानी से बनेगा। और इस केक को हम कढ़ाई में बनाने वाले हैं। आप इसे ओवन या ओटीजी में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। आप इसके जगह बड़ा भगोना या कुकर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्टैंड रखा है और इसे ढक कर लगभग 10 मिनट तक गर्म करेंगे। इसी के साथ मैंने एक केक टिन लिया है जिसमें हम रिफाइंड ऑयल लगा रहे हैं और साथ में बटर पेपर को सेट कर देते हैं। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके जगह मैदे की डस्टिंग कर सकते हैं। केक टिन तैयार है तो अब हमें केक का बैटर बनाना है, जिसके लिए मैंने 1/4 कप यानी 1/4 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। 1/2 कप दही डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं 1/2 कप। यहाँ मैंने पिसी हुई चीनी का यूज़ नहीं किया है, आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। अगर आप पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रहे हैं तब आपको इसे ढक कर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैंने खड़ी चीनी यूज़ किया था तो इसे मैंने 5 मिनट ढक कर रखा है जिससे चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो एक बार फिर से मैंने इसे अच्छे से चला लिया है यानी मिक्स कर लिया है। अब मैंने एक छन्नी रखा है और इसमें 1 कप मैदा डाल रहे हैं, 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा। इन सभी चीजों को छानकर बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें 1 चम्मच हम पाइनएप्पल एसेंस डाल रहे हैं, आप चाहें तो वेनिला एसेंस का भी यूज कर सकते हैं। फटाफट सभी चीजों को मिला लेते हैं और इसमें हमें दूध डालना है। तो यहाँ बैटर बिल्कुल गाढ़ा हो गया है तो इसमें हम 1/4 कप यानी 1/4 कप दूध डाल रहे हैं और अच्छे से मिला लेते हैं। बैटर में बिल्कुल भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो केक का बैटर है ये बिल्कुल तैयार है। तो अब इसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये जो केक का बैटर है बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अब इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें व्हाइट कलर का बैटर चाहिए, एक हम ऑरेंज कलर का बैटर बनाएंगे और जो तीसरा बैटर रहेगा वो ग्रीन कलर का रहेगा। तो यहाँ मैंने बैटर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और अब हमें कलर मिलाना है। तो एक पार्ट को हम बिल्कुल व्हाइट रखेंगे तो उसमें हमें कुछ भी नहीं मिलाना है। दूसरे में मैंने जो पाउडर वाला कलर आता है ऑरेंज कलर उसे मिलाया है, ये फूड कलर है। और तीसरे में यानी ग्रीन कलर मिला रहे हैं, ये लिक्विड कलर है। आप पाउडर वाला कलर या लिक्विड कलर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तीनों कलर बनकर तैयार हैं। अब हम सबसे पहले केक टिन में व्हाइट वाला जो बैटर है यानी प्लेन बैटर है इसे डालेंगे। यहाँ मैं डायरेक्ट बाउल से डाल रही हूँ, अगर आप इस तरह नहीं डाल सकते हैं तो आप स्पून का यूज करें। इसके बाद इसमें ग्रीन डालेंगे और ये ध्यान रखें कि बैटर को एकदम बीच में डालना है। एक बार फिर से व्हाइट डाल रहे हैं। तो इसी तरह हमें बैटर को तब तक डालना है जब तक बैटर खत्म ना हो जाए। ये केक देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ मैंने बैटर को डाल दिया है। अब मैंने एक स्टिक ली है डिज़ाइन बनाने के लिए। तो इस तरह हमें लाइन खींचना है और हर बार हमें स्टिक को क्लीन कर लेना है। आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने अंदर से बाहर की ओर लाइन खींची और अब हम बाहर से अंदर की ओर लाइन खींच रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनकर तैयार हो रही है। तो बस इस केक को अब हमें बेक करना है। तो आप इसे ओवन, ओटीजी या माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ इसे कढ़ाई में बेक कर रही हूँ। इसे हम बेक करेंगे लगभग 35 से 40 मिनट तक और आप बीच में इसे चेक कर लें, लगभग 30 मिनट के बाद ही आप इसे चेक करिएगा। तो इसे हम ढक देते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा था और लगभग 35 मिनट लगे हैं। तो यहाँ जो केक है ये बनकर बिल्कुल तैयार है। बीच से हल्का सा क्रैक हुआ है पर ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसी साथ आज हम आपको मीशो ऐप के बारे में बता रहे हैं जिससे आप घर बैठे 20 से 30 हज़ार रुपये बहुत ही आराम से कमा सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऐप के डाउनलोड होते ही आपके सामने ढेर सारे प्रोडक्ट आएंगे। जो भी प्रोडक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसे आपको शेयर करना है व्हाट्सअप, फेसबुक या जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं। ऑर्डर आने पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, मीशो पे प्लेस कर देना है ऑर्डर को। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब काम मीशो करेगा। जो भी आपका प्रॉफिट है वो 10 दिन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और जिन्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है वो 7 दिन के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं और पेमेंट के लिए कैश ऑन डिलीवरी या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं।
केक हल्का सा ठंडा हो गया है तो इसे हम केक टिन से निकाल लेते हैं। वैसे आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकते हैं, तो इस केक को आप ठंडा करके सर्व करें। ये केक बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो उम्मीद है कि आपको ये केक की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो एक बार फिर से मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।